गुड मॉर्निंग चिटकारा स्टूडेंट, मैं हरजिंदर पाल सिंह सैनी, होम इंस्ट्रक्टर मैकेनिकल डिपार्टमेंट। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आज हम वेल्डिंग के बारे में बताएंगे। तो वेल्डिंग क्या चीज है, कैसे की जाती है, कौन से टूल्स और इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं, आज मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बेसिक टूल जो कि वेल्डिंग शॉप में हम यूज करते हैं उसके बारे में मैं आज ब्रीफली बताऊंगा। तो सबसे पहले हमारा जो मेजिंग टूल आता है उसको कहते हैं स्टील रूल। स्टील रूल जो होता है वो स्प्रिंग स्टील की पत्ती का बना होता है। अगर आपके पास 12 इंच का स्टील रूल दिखाई दे तो उसको हम स्टील फुट रूल कहते हैं। इसके अंदर इंच और सेंटीमीटर होते हैं। इसमें 12 इंच होते हैं और 30 सेंटीमीटर होते हैं। इससे हम छोटी जॉब के ऊपर मार्किंग करने के लिए हम स्टील रूल का यूज करते हैं। इसके बाद हम जो दूसरा टूल यूज करते हैं ये वाला, इसको कहते हैं मेजरिंग टेप। इसको कहते हैं मेजरिंग टेप। इसका मेन मतलब मकसद क्या होता है कि जितनी भी हमने किसी भी लंबी जॉब की मार्किंग करनी हो तो फिर हम इस टेप रोल का यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो हेक्सा, ये जो हेक्सा होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है एडजस्टेबल और एक होता है फिक्स टाइप। ये जो आपके सामने मैं दिखा रहा हूं ये है फिक्स टाइप। इसमें मैं पार्ट के बारे में बता दूं, इसको कहते हैं विंग नट, इसको कहते हैं स्टैंड और इसको कहते हैं पिन। ये इसकी बॉडी होती है जो कि माइल्ड स्टील की बनी होती है और ये हैंडल होता है। ठीक है, जो लकड़ का भी होता है, वुड का भी होता है या प्लास्टिक का भी होता है। और इसके बीच में जो ब्लेड हम फिट करते हैं, जब भी ब्लेड आपने फिट करना है इस चीज का ध्यान रखना है कि ब्लेड के जो टीथ है वो हमेशा फॉरवर्ड विंग नट की तरह होने चाहिए। तो जब भी हमने कटिंग टूल यूज करना है तो हैंड हेक्सा हमने यूज करना है। इसके बाद फाइल, ये जो फाइल है ये अकॉर्डिंग टू शेप, अकॉर्डिंग टू लेंथ, अकॉर्डिंग टू टीथ और अकॉर्डिंग टू कट के आधार पर होती है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसको शेप या क्रॉस सेक्शन कहते हैं। क्रॉस सेक्शन के आधार पर ये जो फाइल होती है 8 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है फ्लैट फाइल, एक होती है हैंड फाइल, एक होती है स्केयर फाइल, एक होती है ट्रायंगल फाइल, एक होती है राउंड फाइल, एक होती है सेमी रोड फाइल, एक होती है नाइफ एज फाइल और एक होती है डायमंड फाइल, अकॉर्डिंग टू क्रॉस सेक्शन और शेप के आधार पर। नेक्स्ट आ जाओ कट के आधार पर। कट के आधार पर फाइलें 3 प्रकार की होती है। एक होती है सिंगल कट, एक होती है डबल कट और तीसरी होती है रास्ट कट। ये जो रास्ट कट फाइल होती है वो कारपेंट्री में यूज की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ लेंथ। लेंथ के आधार पर ये जो फाइलें होती हैं ये मिनिमम 6 इंच और मैक्सिमम 14 इंच के आधार पर होती है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ टीथ। टीथ के आधार पर जो फाइलें होती हैं रफ, कोरस, बास्टर्ड, सेकंड कट, स्मूथ और डेड स्मूथ के आधार पर होती है। और फाइल की जब भी लंबाई या उसका साइज हमेशा टिप से लेके हील तक लिया जाता है, क्योंकि ये जो अंदर टैंग है ये इंक्लूड नहीं होता। ये कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। नेक्स्ट आ जाओ ट्राइस्केयर। ये जो ट्राइस्केयर है इससे हमने जब भी किसी जॉब का राइट एंगल नापना हो या 90 डिग्री कोण के ऊपर हमने इसके ऊपर काम करना हो तो ये टूल हम यूज करते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है ब्लेड और एक होता है स्टॉक। ये जो ब्लेड होता है ये स्प्रिंग स्टील की पत्ती का बना होता है और ये जो स्टॉक होता है 3 चीजों का बना होता है, कास्ट आयरन, अल्मीनियम और ब्रास, लेकिन ये फिलहाल कास्ट आयरन का है। नेक्स्ट आ जाओ हैमर। ये जो हैमर आपको दिखाई दे रहे हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है बाल पिन हैमर, एक होता है क्रॉस पिन हैमर और एक होता है स्ट्रेट पिन हैमर। बाल पिन आप कैसे देखोगे कि ये बाल पिन है, जिसकी पिन राउंड, सेमी राउंड और गेंद की तरह हो इसको हम बाल पिन कहते हैं। जिसकी पिन एक चीजल के एंड की तरह होती है लेकिन दस्ते के समकोण हो इसको हम क्रॉस पिन कहते हैं। और जिसकी पिन चीजल के एंड की तरह हो लेकिन दस्ते के पैरेलल हो इसको हम स्ट्रेट पिन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ चीजल। ये जो चीजल है जब भी हमने वेल्डिंग करनी है तो उसके ऊपर जो वेल्डिंग डिफेक्ट आते हैं जैसे स्पैटर हो गए तो इसको हमने चीजल और हैमर से उस स्पैटर को हमने कट करना होता है। नेक्स्ट आ जाओ वायर ब्रश। ये जो वायर ब्रश है जब भी हमने कोई जॉब को काटना है उसके ऊपर जो भी डस्ट ग्रीस लगी होती है हमने उसके ऊपर ऐसे हमने फाइल करना होता है ऐसे वायर ब्रश फॉरवर्ड।
जब भी आपने ये वायर ब्रश लगाना है, इस चीज का ध्यान देना है कि ये जो वायर ब्रश है हमेशा फॉरवर्ड लगाना होता है, और ये जो वायर ब्रश के जो टीथ होते हैं ये स्टील के बने होते हैं, और कभी भी बैकवर्ड स्ट्रोक नहीं लगाना होता। जब हमने मार्किंग करनी है तो कभी भी चौक का हमने यूज नहीं करना होता, क्योंकि चौक एक तो मिट जाता है, दूसरा इसकी थिकनेस ज्यादा होती है। कभी भी चौक नहीं यूज करना। जब भी मार्किंग के लिए आपने कोई टूल यूज करना है तो इसको कहते हैं स्क्राइबर। स्क्राइबर से आपने मार्किंग टूल यूज करना है मार्किंग के लिए। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्ट्रेट स्क्राइबर और एक होता है क्रॉस पिन, ठीक है। और ये जो क्रॉस होता है वो 90 डिग्री परपेंडिकुलर होता है, और एक होता है स्ट्रेट जो कि स्ट्रेट लाइनें लगाने के लिए यूज किया जाता है। ये हाई कार्बन स्टील और कार्बन स्टील के बने होते हैं और इनकी ग्रिपिंग की होती है। नेक्स्ट है जो अगर आपके पास टूटा हुआ ब्लेड है तब भी आप इसके साथ मार्किंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो टोंग। जब भी हमने वेल्डिंग करनी है तो कभी भी गर्म पीस को आपने हाथ नहीं लगाना, और ये सेफ्टी है कि जब भी आपने उस जॉब को उठाना है हमेशा टोंग से उठाना है ताकि आपका हाथ सेफ रहे। ये एक सेफ्टी प्रिकॉशन में आता है। नेक्स्ट आ जाओ चिपिंग हैमर। ये जो वेल्डिंग का मेन टूल है, जब भी आपने वेल्डिंग करनी है तो वेल्डिंग के ऊपर स्लैग जमी होती है जिसको हमने चिपिंग हैमर से उतारना होता है, तो इस टूल से हमने चिपिंग हैमर से स्लैग उतारनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ ग्लव्स। जब भी आपने वेल्डिंग करनी है एक चीज का ध्यान रखना, हाथों की सेफ्टी के लिए हमेशा ग्लव्स यूज करने होते हैं। उसके बाद शरीर की सेफ्टी के लिए ये लेदर एप्रन यूज करने होते हैं, ठीक है जी, ऐसा ये एप्रन होता है। उसके बाद आ जाओ वेल्डिंग स्क्रीन, इसको फेस शील्ड भी कहते हैं। ये सबसे बड़ी हमारी फेस की ये सेफ्टी है। जब भी आपने वेल्डिंग करना एक चीज का ध्यान रखना कि वेल्डिंग को कभी लाइव नंगी आंखों से नहीं देखना, क्योंकि उसके बीच में दो प्रकार की रेज निकलती है, एक अल्ट्रा वायलेट और एक इंफ्रारेड रेज, जो कि दोनों हमारी आंखों के लिए हानिकारक होती है। तो ये जो वेल्डिंग स्क्रीन आपको दिखाई देती है, ये हैंडल से पकड़ के आपने फेस के सामने रखते हैं, इसको वेल्डिंग स्क्रीन भी कहते हैं, फेस शील्ड भी कहते हैं। और ये जो आपको ब्लैक शीशा दिखाई दे रहा है ये हमारी आंखों के लिए सेफ्टी है। इसके आगे पीछे प्लेन शीशा लगा होता है जो कि इस शीशे की सेफ्टी के लिए है, ठीक है। उसके बाद आ जो इलेक्ट्रोड, ये जो आपके सामने इलेक्ट्रोड दिखाई देता है ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, एक होता है नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। ये जो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है ये मेटल का बना होता है जो कि ड्यूरिंग वेल्डिंग के साथ कंज्यूम होता रहता है, और जो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होते हैं वो कार्बन ग्रेफाइट और टंगस्टन के बने होते हैं जो कि वेल्डिंग के दौरान कंज्यूम नहीं होते। इसके बाद आ जाओ कि इलेक्ट्रोड का साइज आप कैसे लेंगे, कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रोड का साइज इधर लिया जाता है डायमीटर के आधार पर। इलेक्ट्रोड 1.5 mm से लेके 9 mm तक मोटा होता है, और लेंथ के आधार पर इलेक्ट्रोड 250 mm से लेके 450 mm होता है। और इसके ऊपर ये जो फ्लक्स चढ़ा होता है ये वेल्डिंग की सेफ्टी के लिए होता है, क्योंकि वेल्डिंग दो प्रकार के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है वेयर एक होता है कोटेड। ये जो वेयर इलेक्ट्रोड होता है वो मिग वेल्डिंग में हम यूज करते हैं, और ये जो कोटेड इलेक्ट्रोड होता है भी हम इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में यूज करते हैं। इसके ऊपर फ्लक्स लगता होता है जो कि ऑक्सीडेशन के लिए रोकता है। तो ये आपका आज मेन। इसके बाद जब हमने कटिंग करनी है तो कटिंग के दौरान एक चीज का ध्यान रखना है कि जब हम कटिंग करते हैं तो फ्रिक्शन पैदा होती है, हीट पैदा होती है, तो हीट को रिड्यूस करने के लिए हमने ये कूलेंट यानी कि पानी देना होता है ताकि वो उसके तीत ठंडे रहें और कट हमारा आसानी से चलता रहे। तो बेटे आज जो मैंने वीडियो में बताया है तो आपने वीडियो देख के जो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ में आपने अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आपने वो थंब दबाना है। तो जैसा भी आपको ये वीडियो लगा उसके बारे व्यूज मेरे आपने व्यूज बॉक्स में डालने हैं। थैंक यू वेरी मच।